जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पीडब्ल्यूडी भर्ती 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इससे पीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं, आवेदन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है 4501 पदों पे निकली हुई है। 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप 23 जनवरी से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी भी, फ्रेशर्स जिसने मतलब 12th क्लास पास की है वो भी यहाँ पर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट वाली वैकेंसी भी में शामिल है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन रीड करिए। इसके अलावा शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ में बनाई रहिए, बहुत जरूरी जानकारी है आपकी। यहाँ पे मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन होने वाला है उसमें कितने मार्क्स आपके जुड़ेंगे, इसके अलावा कैसे पैटर्न रहेगा आपका, मतलब एक तरीके से जो रहता है इसमें सिलेक्शन लेने का वो क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती है, तो कैसे क्या आपको अप्लाई करना रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों बात करेंगे पे CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये PWD वाली वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट और सुपरवाइजर के पद है। 30 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया 4501 पदों पे निकली हुई है। यहाँ पे डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 2 तारीख से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 2 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी चाहे वह ऑल ओवर इंडिया कहीं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ये वैकेंसी यहाँ पे 4501 पदों पे जो निकली हुई है इसमें एज लिमिट 18 से 45 साल के बीच में अगर आपकी आती है और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो जूनियर अकाउंटेंट और सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना जूनियर अकाउंटेंट के पद यहाँ पे इसमें ज़्यादा है और सुपरवाइजर के थोड़े कम है। इसके अलावा ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक मैं नीचे आपको पोस्ट कर दूंगा, एक तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना ये सीधी भर्ती है, यानी कि इसमें एकेडमिक मार्क्स आपके 5 मार्क्स, इसके अलावा SC ST OBC के 2 मार्क्स, और यहाँ पे जो OBC बैकवर्ड मतलब BPL वाली फैमिली है उनके मार्क्स अलग से, फिजिकल टेस्ट अलग से जो भी होता है उसमें ये सारा सब कुछ आपका एड रहेगा मार्क्स। इसके अलावा पूरी डिटेल्स आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ऐसा फॉर्म आता है ऑफलाइन वाला। तो 30 जनवरी आप ध्यान रखना, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद।